वीडियो में सभी विद्यार्थी जो हम वॉइस पढ़ा रहे हैं उस वॉइस में हम पहला टेंस लेते हैं इनडिफिनिट टेंस। अब इनडिफिनिट में क्या हम लेते हैं, प्रेजेंट इनडिफिनिट की बात करते हैं। तो वॉइस हमने ले लिया आपका, ठीक है। वॉइस में जो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। अब प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में सारे रूल आपकी वही हैं जो पहले रूल बताए गए हैं, केवल आप इतना समझ लीजिए हम यहां पर लिख लेते हैं इन दिस टेंस हेल्पिंग वर्क बी का मतलब क्या हो गया, इज आई एम आर is am are is used। मतलब हम अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हमको पैसिव वाइज में चेंज करना है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया एक, ठीक, और वो एग्जाम्पल हमारा क्या आया, मान लीजिए हमने लिखा सब्जेक्ट के बाद देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस आएगी। मतलब अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो ये फॉर्म आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो ये फॉर्म आएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया, क्लियर हो गया। इसी को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे आपको रूल के अकॉर्डिंग को यहां पर ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इज आई एम आर आ जाएगी यहां पर पैसिव वॉइस में। इज आई एम आर के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और इसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, बाय को यहां सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारा ये क्या होता है, ए ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है, ठीक है। और ए हमारा किस केस में चला जाता है, सब्जेक्टिव केस में चला जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए अगर नाम कोई रहता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसे रहता है, लेकिन अगर हमारा प्रोनाउन आता है तो हम इस रूप में चेंज करते हैं, ए हमारा सब्जेक्टिव केस इसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ए हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। ऑब्जेक्टिव केस को हम ओकेटिव केस भी कहते हैं। अब आपको समझ लीजिए अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा क्या हो जाएगा, मी, सब्जेक्ट के स्थान पर है बी, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा क्या हो जाएगा, अश। यहां पर अगर यू है सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी क्या रहेगा, यू। सब्जेक्ट के स्थान पर अगर ही है ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा क्या हो जाएगा, हिम। अगर यहां पर सी है सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा क्या हो जाएगा, हर। अगर यहां पर इट लिखा है सब्जेक्ट के स्थान पर यहां भी क्या हो जाएगा, इट। अगर यहां पर दे लिखा है ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा क्या हो जाएगा, देम। सेम कंडीशन, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अल्टरनेट चेंज होंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये सारे टेंस में इस रूल को आपको फॉलो करना है कि मतलब किसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने यहां पर लिखा आई रीड नॉवेल, एक सेंटेंस लिखा गया आई रीड अ नॉवेल। अब हमको पैसिव वॉइस रूल के अकॉर्डिंग को देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, अब हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। अब ए नॉवेल को हम यहां पर लाए, अ नॉवेल लिखा गया, देखिए नॉवेल सिंगुलर है, हमको सिंगुलर वर्ब यहां से लेनी पड़ेगी, हमारा क्या हो गया इज। यहां पर देखिए रीड, रीड का थर्ड फॉर्म एक ही होता है रीड, रेड रेड, हमने यहां पर लिख लिया रेड। बाय मी क्या हो गया, ए नॉवेल इज रेड बाय मी, पहला एग्जाम्पल आपका हो गया। दूसरा हमने लिखा सी टीचेस मी, अब आपका सेंटेंस हो गया सी टीचेस मी। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किए, मी आपका यहां हमने इसको लिया यहां पर आई हो गया, आई के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगती है, आई एम, टीचेस का थर्ड पार्ट टॉट, आई एम टॉट,
इसके बाद बाई हो गया, सी का देखिए क्या लिखा, हर, यहां पर हर हो गया। देखिए मी को आई में चेंज किया गया, सी को किस में चेंज किया गया, हर में चेंज किया गया। अभी क्लियर हुआ? ऐसे मान लीजिए तीसरा सेंटेंस हम ले जाए निगेटिव में, हमने लिखा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हो गया, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसका जब पैस वाइज चेंज करेंगे, क्रिकेट हम यहां पर लाए, इसके बाद क्या हो गया, इज, इसको हम रफ करते हैं, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई देम। अब समझ में आ गया, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई देम। आपका निगेटिव अगर रहेगा, निगेटिव का फॉर्मेट आप यहां पर लगा लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। क्लियर हो गया? ऐसे ही मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आप कैसे रूल फॉलो करेंगे, तो आपको इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा डज सी लव हर मदर, डज सी लव हर मदर। क्लियर हो गया? अब एक सेंटेंस हमने लिया, ये आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया, इसको जब चेंज करेंगे, देखिए यहां हर मदर लिखा ना, अब आपको ध्यान रखना है हर मदर लिख दिया गया, हर मदर का मतलब क्या हो गया। अब यहां पर कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं, यहां सी लिख देते हैं, सी मदर लिख देते हैं, सी मदर कभी नहीं होगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर मदर क्या है, यहां पर एक पॉजेसिव केस लगाया गया, ये पूरा एक टॉपिक हो गया आपका, इसलिए यहां पर इसको हर को बिना चेंज किए हुए यहां पर लेके जाएंगे, और जब यहां बिना चेंज किए हुए लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हर मदर, और सी मदर किए तुरंत गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिए हर मदर, लेकिन हमको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना, चूंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है, हर मदर सिंगुलर है, हम इसके पहले किसका प्रयोग कर लेंगे, इज, हर मदर लव्ड बाय, अब देखिए यहां पर सी लिखा हर। क्लियर हो गया? लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा, इज हर मदर लव्ड बाय हर, आई सॉरी मी, ये आपका सेंटेंस हो गया। ऐसे ही एक आपको डब्ल्यू एच वर्ड का हम बता देते हैं, जैसे लिखा गया वाई डू यू टीच अस, एक सेंटेंस लगा दिया गया वाई डू यू टीच अस। क्लियर? एकदम सिंपल से सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमको चेंज करना है। अब हम चेंज किए, देखिए अस को यहां पर हम लाते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, लेके इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा सेम टू सेम हो जाएगा, यहां पर हम वाई लिख दिए, अस को बी में चेंज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बी के अनुसार लग जाएगा वाई आर बी, पेज का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टार्ट बाई यू का, देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, यू आपका हो गया वाई आर बी टार्ट बाई यू। क्लियर हो गया? ये चीज था आपका मतलब सेंटेंस, जिसको कि आपको क्या करना है, सीखना है। अब यहां पर हम आपको दो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जिसको आपको घर से करके करना है या बताना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ही प्लक्स फ्लावर डेली इन द गार्डन, पहला हो गया। दूसरा लिखा गया दे कैच देम इन द फॉरेस्ट, दे कैच देम इन द फॉरेस्ट, ये दो सेंटेंस है, इसको आपको क्या करने हैं, पैसिव में चेंज करना है। क्लियर हो गया? तो आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखिए। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताए हैं, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।